बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सभी को अपने घरों के अंदर शादाबाद रखे, सबके ऊपर अपना करम फरमाए और सबके खानों के अंदर बरकत हो। तो दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ वह है आमलेट पिज़्ज़े की, आमलेट चीज़ पिज़्ज़े की। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, आपको उम्मीद है पसंद आएगी मेरी वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और सबसे पहले अंडे हम तोड़ लेते हैं। अभी अच्छी तरह इसको बीट कर लेते हैं। ये आप जितना बीट करेंगे अंडे के उसी हिसाब से ये नरम और फ्लफी बनेगा। अभी हम डाल देते हैं इसमें प्याज, ग्रीन प्याज डाल दिए, ऑनियन क्रश किया हुआ, टमाटर, और हम मज़ेदार और टेस्टी बना रहे हैं अदरक और लहसुन डाल रहे हैं। अदरक को हमने कूट लिया, पेस्ट बना लिया है। लहसुन को भी और हल्दी, ये भी ताज़ा फ्रेश हल्दी है, उसको भी हमने कूट लिया है, पेस्ट बना लिया है। हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये खानी चाहिए। अभी दोबारा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अभी आधा दूध ले लेते हैं हम लोग। इसके अंदर जो है अपने स्पाइसेस डाल देते हैं, ताकि वो अगर वैसे डालेंगे तो वो हो सकता है मुख्तलिफ जगहों पे रुक जाए और मिक्स ना हो। हम इसके अंदर डाल के फिर मिक्स करते हैं। ठीक है, आधी चम्मच कुटी रेड चिली है और आधी चम्मच जो है ना वो क्रश की हुई, और एक चम्मच से कम जो है ना वो नमक है। या इसके अंदर मिक्स करके अभी इसको मिक्स कर लेते हैं दूध के अंदर। दूध ये है कि सारी जो है ना वो मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा दूध। ये तकरीबन वही का जो हम ले रहे थे 100 मिलीलीटर, वही दूध इसमें डाल देते हैं। दूध डालेंगे तो जबरदस्त बन जाएगा आपका। ये हो गया। अभी इसमें डाल देते हैं हम लोग पुदीना, सब्ज़ धनिया और पुदीना, और ये गर्म मसालों के अंदर हम ले रहे हैं जीरा और काली मिर्च। अभी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम चूल्हा ले आते हैं, गर्म करते हैं और आमलेट बनाते हैं, और बाकी प्रोसीजर बाद में। 3 चम्मच जो घी के, आप घी की जगह ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम घी डाल रहे हैं। हल्की आँच पर बनाए, हल्की आँच की बनी हुई खाना, बना हुआ खाना हमेशा ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। अभी हम डाल देते हैं आमलेट का पेस्ट जो हमने बनाया था मटेरियल। बिस्मिल्लाह, ये हम पूरे ऊपर डाल लेते हैं। अभी थोड़ी सी आंच तेज कर देते हैं। माशाल्लाह हमारा जो ना आमलेट बहुत फ्लफी फ्लफी होना शुरू हो गया। अभी हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बना रहे हैं। बिल्कुल हम बना रहे हैं आमलेट पिज़्ज़ा। अगर अभी दरमियान में जो है ना अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। आमलेट हमारा रेडी हो गया। अभी हम पिज़्ज़े की गार्निश कर लेते हैं। हम बना रहे हैं आमलेट पिज़्ज़ा। हमने शिमला मिर्च लगा दी, शिमला मिर्च की गार्निश कर दी है। अभी हम इसके अंदर जो है ना टमाटर डाल देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। पिज़्ज़ा टच दे रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं आमलेट का। और
चीज़ हमने क्रश करके रख ली थी कि वो डाल देते हैं। या बिस्मिल्लाह, तो ये हम इसके ऊपर जो है ना चीज़ की गार्निश कर रहे हैं, मज़ेदार आमलेट। और साथ में हमने जो है ना, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उसको आप गर्म करें अच्छी तरह और फ्राई पैन के ऊपर उल्टा दे दें, तो चीज़ ये मेल्ट हो जाएगी। चीज होगी अभी, हमें इसको 4 से 5 मिनट इस तरह गर्म तवा जो है ना इसके ऊपर दे दिया हमने, कवर कर दिया है, तो चीज मेल्ट हो जाएगी और हमारा आमलेट पिज्जा जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी चेक करते हैं। ओह जबरदस्त, हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी फिर भी 1 से 1.5 मिनट इसको छोड़ देते हैं। जबरदस्त, हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्यारी लुक आ गई हमारी आमलेट चीज़ पिज़्ज़े की। तो आप भी घर पे बनाएं और सर्व करें, बच्चों को खिलाएं, आज इतवार के दिन को एंजॉय करें। अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिज़्ज़ा हमने डिश आउट कर लिया है, आमलेट चीज़ पिज़्ज़ा डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बना हुआ है। आज की इतवार की छुट्टी को एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, अभी कट करते हैं। कट कर लिया है, कट करके हमने इसको रखा हुआ है, अभी बच्चों के साथ खाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे मेरी छोटू फैमिली को हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी।